उनके विचारों पे। जी राजीव जी, मतलब कांग्रेस का इतिहास उतना ही लंबा है जितना भारत का, आज़ाद भारत का इतिहास और आज़ादी की लड़ाई का इतिहास, जो कि 19वीं शताब्दी के बाद का। अब कांग्रेस एक आइडियलिज्म को लेकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और इस 137 साल के वक्फे में अगर आप देखिएगा तो 68 साल तो कांग्रेस आज़ादी के पहले की है और 74 साल की कांग्रेस आज़ादी के बाद की है। तो कांग्रेस जब सत्ताधारी पार्टी हुई और वो फ्रीडम स्ट्रगल के, आज़ादी की लड़ाई के उसी आइडियलिज्म को लेकर वो सत्ता में आई, नेहरू प्रधानमंत्री हुए और उनका प्रभाव पार्टी पर रहा थोड़े से समय के अलावा, तो कांग्रेस के अंदर काफी हलचल उस आइडियलिज्म के खिलाफ उठने लगी और कई आइडियोलॉजिकल चुनौतियां कांग्रेस को आई वहां से। आज जब हम खड़े हैं, जब सोनिया गांधी बयान दे रही हैं, तो हम सब जान रहे हैं कांग्रेस के अंदर कितने डिफरेंसेस भी हैं। इसी कांग्रेस के लगभग 60 फैक्शंस बाहर निकले हैं, 60 बार से ज्यादा कांग्रेस विभाजित हुई है, और सबसे बड़ा विभाजन आज़ादी के बाद जब हुआ इंदिरा गांधी के समय 1969 में, जब इंदिरा गांधी ने बनाई कांग्रेस आर और कामराज और मोरारजी देसाई ने बनाई कांग्रेस ओ, और वही कांग्रेस ओ। तो कांग्रेस ओ क्या थी, ये मोरारजी देसाई की जो कांग्रेस थी वो क्या थी? वो कांग्रेस वही कांग्रेस थी जिस कांग्रेस की वकालत आज कांग्रेस के अंदर कुछ लोग कर रहे हैं जिनको हम चिट्ठीबाज के नाम से जानते हैं। वो दक्षिणपंथी कांग्रेस थी, और आश्चर्य की बात है, मजे की बात है, इतिहास कैसे टर्न लेता है कि वही कांग्रेस ओ बाद में जनता पार्टी में विलय हुई, और जनता पार्टी में उसी के सबसे बड़े नेता मोरारजी देसाई जो दक्षिणपंथी थे वो प्रधानमंत्री बन गए। तो ये वैचारिक द्वंद्व कांग्रेस में रहा है। तमाम सारी पार्टियां निकली जिसमें आज भी कुछ पार्टियां मौजूद हैं, जिसमें कि एनसीपी है, जिसमें ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस है, जीके मूपनार की पार्टी मर्ज हुई थी फिर उन्होंने अलग बना ली, ये तमिल मंदला कांग्रेस, केरला कांग्रेस, बहुत सारी पार्टियां अभी भी मौजूद हैं जो कांग्रेस से निकली है। तो कांग्रेस तो पॉलिटिकल पार्टीज की गंगोत्री रही है भारत में। अब ये जो वैचारिक द्वंद्व कांग्रेस के अंदर रहा है, मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वैचारिक द्वंद्व की बात कर रहा हूं। वो वैचारिक द्वंद्व जो वामपंथी यानी लेफ्ट टू सेंटर वाली कांग्रेस, सोशलिस्ट नीतियों वाली कांग्रेस और दक्षिणपंथी कांग्रेस के बीच जो द्वंद्व रहा है जिसमें विभाजन हुआ, वही द्वंद्व आज भी है, वही द्वंद्व इसके पहले भी था। आज की कांग्रेस को ये तय करना है, या मैं कहूं कि राहुल गांधी पिछले कुछ वर्षों से ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जो ओरिजिनल कांग्रेस थी लेफ्ट टू सेंटर वाली वहां ले जाए, और कांग्रेस के अंदर एक बड़ा भारी तबका जो मिडिल लीडर्स का है वो ये कोशिश कर रहा है कि वो मोरारजी देसाई वाली जो कांग्रेस है वो ये कांग्रेस बन जाए। मोरारजी देसाई की कांग्रेस को बॉम्बे क्लब यानी उद्योगपतियों का समर्थन था, जिसको जो कांग्रेस के अंदर एक सिंडिकेट था, जो सिंडिकेट बाद में कांग्रेस ओ बना, उस सिंडिकेट को बॉम्बे के उद्योगपतियों का समर्थन था, और उस सिंडिकेट को किस तरीके से कांग्रेस ने खत्म किया और इंदिरा गांधी ने वापस पार्टी की आइडियोलॉजी को स्थापित किया, आज जरूरत इस बात की है। यानी सोनिया गांधी जरूर वो बीजेपी की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन मैं कहूंगा कि कांग्रेस के अंदर राजीव गांधी के समय से दक्षिणपंथी टेंडेंसीज आना, नई कांग्रेस में, मॉडर्न कांग्रेस में आना शुरू हो गई थी। बहुत सारे फैसले, चाहे ताला खोलने का फैसला हो,
चाहे वो तमाम सारे फैसले हो, वो सारे फैसले दक्षिणपंथी फैसले थे। नरसिम्हा राव की जो कांग्रेस थी वो कांग्रेस भी, नरसिम्हा राव की कांग्रेस भी दक्षिणपंथी आर्थिक नीतियों में कांग्रेस थी। वही उसी की विरासत को, राजनीतिक आर्थिक विरासत को लेकर मनमोहन सिंह ने 10 साल सरकार चलाई। और इस बात को हम लोग मान लें कि 10 जनपथ और 7 आरसीआर में भी फ्रिक्शन था, कई मौक़ों पर फ्रिक्शन था। यानी अगर सोनिया गांधी की जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी थी और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच में बहुत ज़्यादा नीतियों को लेकर एक दूसरे के परस्पर विरोध था बहुत सारे मामलों पर, इसकी लंबी चर्चा हो सकती है। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस को ये भी अब अंदर देखना चाहिए कि उनको अपनी जो ओरिजिनल आइडियोलॉजी है, जिस तरफ राहुल गांधी ले जाना चाहते हैं, उस तरफ जब से कांग्रेस वहां से हटी है तब से कांग्रेस का आधार हटना चालू हो गया है, निकलना चालू हो गया। और एक आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि अगर कांग्रेस 137 साल जीवित रही एक पॉलिटिकल पार्टी में और आज भी वो रेलिवेंट है, तो उसके कारण क्या है? राजीव जी, भारत विविधताओं का देश है, समावेशी पार्टी जब तक नहीं होगी, जब तक वो 137 साल सफर पूरा नहीं कर सकती है। आज की जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी 80% सीटें हिंदी बेल्ट या पश्चिम भारत से आती हैं। बहुत बड़ा भारत में बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं है, बीजेपी उनको रिप्रेजेंट नहीं करती, ना वो बीजेपी को स्वीकारते हैं। जब तक बीजेपी की स्वीकार्यता गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में वैसी नहीं होगी जैसी कांग्रेस की रही है और आज भी है, भले ही कितना कम हो जाए लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर अक्रॉस द कंट्री स्प्रेड है। राहुल गांधी केरल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो ये अगर बीजेपी को भी 100 साल पूरे करने हैं तो बीजेपी को भी अपनी नीतियों को समावेशी करना पड़ेगा, चाहे वो दलितों के प्रति सम्मान हो बराबरी का, या महिलाओं के प्रति, या माइनॉरिटीज़ के प्रति, और गैर हिंदी भाषी लोगों के प्रति। ये बीजेपी के अंदर, बीजेपी को ये चीज़ कांग्रेस से सीखनी चाहिए कि कैसे वो 137 साल तक जीवित रहे। मुझे नहीं लगता कि अगर बीजेपी अपनी इन रिजिड नीतियों पर बहुत ही अगर रहेगी तो बीजेपी का सफर कोई 100 साल का होगा, मुझे लगता नहीं। आप रख रहे हैं यहां पर, और कांग्रेस और